देखा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मुएथाई में यूज होने वाली एल्बो की टेक्निक को सीखेंगे और समझेंगे। वैसे तो काफी सारी एल्बोज हैं मुएथाई में, काफी सारी वेरिएशंस हैं, बट हम इस वीडियो के माध्यम से आज मैं एक एल्बो की टेक्निक आपको बताऊंगा। उसमें क्या आपका बॉडी पॉस्चर होना चाहिए और किस तरीके से आपको मूवमेंट और किस तरीके से एल्बो मारनी होनी चाहिए। एल्बो को थाई लैंग्वेज में सॉक बोला जाता है, तो आज हम सॉक तत् सीखेंगे। सॉक तत् मीन्स हॉरिजॉन्टल एल्बो, जो कि कुछ इस तरीके से जाती है। तो उसके पीछे क्या क्या साइंटिफिक चीजें और क्या क्या टेक्निकली चीजें होती है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे आज। सबसे पहले तो आप अपने पॉस्चर में चुप मोए, ये आपका पॉस्चर रहेगा। इसमें जब आप एल्बो मारेंगे तो सबसे पहली चीज का ध्यान रखना कि हाथ को आपने यहां से ना लाते हुए यहीं से चलाना है। वजह, हाथ अगर आप जितना पीछे रह जाएंगे, एक तो आप सामने वाले अपोनेंट को टाइम बाय करते हैं, दूसरा आपका स्पीड स्लो हो जाता है। तो आपने इसको एल्बो को यहीं से चलाना है। ये आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से चला रहा। तो एल्बो को चलाते वक्त दूसरी चीज का आपने ध्यान देना है, ये जो आपका थंब है, जो इनर इनसाइड पार्ट है जो आपके हाथ का, ये आपके आपकी तरफ होना चाहिए, ताकि आप ये जो बोन है ये स्ट्रांग होती है, ये तेज लगती है काफी। अगर आप हाथ को ऐसे कर देंगे तो ये इतनी स्ट्रांग नहीं पड़ती और इतने इफेक्टिव एल्बो नहीं आप मार पाते, स्ट्राइकिंग नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा वीक हो जाता है और इंजरी भी होने के चांसेस रहते हैं। और आपने यहां से शोल्डर से इसको पूरा रिलीज करना है, अपने शोल्डर को रिलैक्स रखते हुए आपने चलाना है, कुछ ऐसे आप देख रहे हैं। और तीसरी चीज आप जो ध्यान दे रहे होंगे, मेरी जो चिन है वो अंदर को ऐसे टक इन हो रखी है, ताकि मैं अपने चिन को प्रोटेक्ट कर पाऊं, ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। और चौथी चीज, मेरा जो हाथ है दूसरा, वो इधर मेरे चेन को और मेरे रिप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप देख रहे होंगे, देख पा रहे हैं मैं ऐसे में चला रहा हूं, कुछ ऐसे जा रहे हैं आप। तो मेरी चेन भी अंदर है और मेरी एल्बो की मूवमेंट आप देख रहे होंगे कुछ कैसे जा रही है। अब मैं साइड से आपको दिखाऊंगा ये चीज, आपने कुछ इसको ऐसे डिलीवर करना है सामने से, फिर दोबारा दोनों चला के दिखाऊंगा मैं। ये दूसरा, आप मेरा हाथ की मूवमेंट देख रहे होंगे, ये पूरा जा रहा है। और दूसरा जो हाथ है मेरा, ये डिफेंस पूरा हो पा रहा था कि मेरे को स्ट्राइक ना लगे। और गर्दन भी इसमें सीधी रखनी है, जब आप एल्बो चलाएंगे, ये चलाया आपने तो इसको इधर नहीं देखना है, गर्दन को सीधे रखना है, सीधे रखना है, सीधे रखना है, इधर की तरफ नहीं देखना, सीधे रखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुएथाई बॉक्सिंग एकेडमी के पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट्स दें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आगे भी मैं आपको टेक्निकली इस वीडियो के थ्रू अपडेट करता रहूंगा टेक्निक और आगे नई एल्बो, जो भी चीजें हम मुएथाई में यूज करते हैं, जो जो फंडामेंटल्स जो होते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए सॉरी का।